कोड़े लगाने का हुक्म दिया गया है। जो जो मर्द जो शख्स किसी खातून पर जिना का इल्ज़ाम लगाता है, तोहमत लगाता है, उसके पास रेफरेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तो उसके इस जुबानी दावे की बुनियाद पर हाकिम वक्त इस्लामी शरीयत सरे आम लोगों के सामने कोड़े लगाने का हुक्म देता है। 80 कोड़े कोई मामूली जुर्म नहीं है कि किसी खातून पर ये जिना का इल्ज़ाम लगाया जाए, तो हमारी जुबान से कोई एक ऐसा जुमला निकल जाए जो हकीकत में सच नहीं है, हक नहीं है, साबित नहीं है, वो एक जुमला ही हमारी दुनिया व आखिरत बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस संगीन अमल पर, इस संगीन जुर्म पर बड़ी खतरनाक धमकी दी है, कहा दुनिया व आखिरत दोनों जगह पर लानत दी गई है, दुनिया व आखिरत दोनों जगह पर ऐसे शख्स पर लानत और दर्दनाक अदाब उसके लिए तैयार कर रही है। मालूम क्या हुआ, दुनिया भी अदाब है, मरने के बाद आखिरत भी अदाब है। और हकीकत में ये बात ऐसी है कि बसा अवतार एक शौहर अपनी बीवी पर भी इल्ज़ाम लगाता है, वो लिया देता है, जब इख्तलाफ होता है, जब लड़ाई होती है, जब मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं, तो आदमी अपने करीबी रिश्तेदार ही पर यह हमला कर देता है। एक शौहर अपनी बीवी पर ही इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम्हारा ताल्लुक ऐसा है, तुम ऐसी हो, जबकि हकीकत में वो ऐसी नहीं है। तो इस आयत से हम सबको सबक हासिल करना चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान से क्या बोल रहे हैं, हम अपनी ज़ुबान से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी खातून पर अगर वो ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम गुमान कर रहे हैं या अपनी ज़ुबान से इकरार कर रहे हैं, तो ये हमारी दुनिया वाकत को चौपट करने वाली चीज़ है। इसलिए हम सबकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम बिला सबूत, बिला इल्म, बिला रेफरेंस, बग़ैर सबूत और दलील के कभी गुफ्तगू ना करें, कभी किसी खातून के ताल्लुक से हमारी ज़ुबान से ऐसा कलिमा ना निकले। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, आप सबको, सारे मुसलमानों को अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और लोगों की इज्जत का ख्याल रखने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अकुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व सालिमीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु ग़फूरुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।